मोटे तौर पर जाने तो यूनियन बजट एक प्रकार का वार्षिक विवरण होता है, जिसमें केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष में कितना धन जुटा पाने की उम्मीद करती है और उस पैसे को कैसे खर्च करेगी, इसका विवरण देती है। तो हर साल यूनियन बजट को संसद में पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय सचिवालय भवन के नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में एक समारोह आयोजित होता है, जिसको कहते हैं हलवा सेरेमनी। समारोह की शुरुआत वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, जो एक पारंपरिक कढ़ाई से हलवा निकालकर और इसे वित्त राज्य मंत्री, अधिकारियों और बजट बनाने की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े अन्य लोगों को परोसते हैं। हलवा समारोह के बाद मुख्य बजट की कॉपी की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 को भी पेपरलेस रूप में पेश करने जा रही हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कुछ मीठा खाने की परंपरा को देखते हुए यह हलवा सेरेमनी बहुत महत्वपूर्ण है। हलवा समारोह के बाद शुरुआत होती है बजट से जुड़े दस्तावेजों को छापने की। इस समारोह के बाद बजट से जुड़े अधिकारियों को बाहरी दुनिया से पृथक कर नॉर्थ ब्लॉक के तहखाने में एक तरह से नज़रबंद कर दिया जाता है। उन्हें फ़ोन या ईमेल जैसे किसी भी संचार के माध्यम से अपने परिवार तक से भी संपर्क करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट से जुड़ी कोई भी सूचना लीक न हो पाए। यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन लीकेज को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय के अंदर एक मोबाइल फ़ोन जैमर भी लगाया गया है। इस अवधि के दौरान केवल वित्त मंत्री को ही उस भवन के अंदर और बाहर जाने की अनुमति होती है। मंत्रालय के अधिकारियों को संसद में बजट पेश हो जाने पर ही बाहर जाने दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की केंद्रीय बजट 2022-23 में हलवा समारोह नहीं होगा। कोविड-19 महामारी के कारण समारोह को रद्द कर दिया गया है। इसके बजाय बजट पर काम करने वाले कोर स्टाफ को डिब्बों में मिठाई दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग मीडियापीडिया।